रसोई से खुशबू नहीं आई भोजन की, ध्यान रखना। जो माताएं या पुरुष स्नान करके उन्हीं वस्त्रों को पहन लेते हैं, उनका जीवन से कभी दरिद्रता नहीं जाया करती साहब। है और जो निवृत्ति दांतों का मंजन नहीं करता है, उसके जीवन में भी दरिद्रता आया करती है साहब। अरे ताली जरा जोरदार बजाओ। ये तुम्हें कोई बताएगा नहीं जीवन में, समझ लेना जीवन को, साधक बनो, साधना को जागृत करो अपनी। नाभि चक्र से उड़ जाओ। ये नाभि चक्र है, जो नाभि चक्र से उड़ जाता है उसके जीवन में परमात्मा का वास हो जाया करता है। नाभि के नीचे भोग है और नाभि के ऊपर उठ गई, यही योग है। ये महात्मा भी बड़े बड़े अलमात्मा विलमात्मा भी इस योग को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं साहब। ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोग, केवल एक सूत्र बना लो अपने जीवन का कि प्रातः उठेंगे और सात बेलपत्र शंकर भगवान पे चढ़ाएंगे, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। अब जब खुशबू नहीं आई रसोई से, महात्मा के पेट पे अपने पेट पे हाथ मार के कहता है भूख लगी है, आज रसोई से खुशबू नहीं आ रही, तो मन में विचार आया ऐसा तो नहीं कोई महात्मा तो नहीं लुढ़क गया आज जो रसोई से खुशबू नहीं आ रही। अब भूखे मारे पिछले धीरे धीरे गया और रसोई बनाने वाले से पूछा, भैया कोई महात्मा तो नहीं चल बसा? बोले महात्मा नहीं चल बसा, आज एकादशी है और एकादशी में भोजन नहीं बनता है। महात्मा आज अढ़िया पेट पे हाथ मार के कहता है, भैया अगर हमें एकादशी में भोजन नहीं मिला ना, तो हम तो द्वादशी का मुंह ही नहीं देख पाएंगे, हमें द्वादशी मिलने वाली नहीं है। और बड़े महाराज के पास पहुंच गया, महाराज जी मुझे भूख बहुत लगती है। महाराज भी सरल थे, कहा जाओ ये कच्चा सीधा ले जाओ, सामने सरयू नदी बह रही है, पर एक बात याद रखना, भगवान को भोग लगाते खाना। क्या खाना? भगवान को भोग लगाते। गया वो सरयू नदी के किनारे, भोजन अमनिया करा। हम संतों में काटना शब्द नहीं होता है, अमनिया करना होता है। हम तो नमक भी नहीं बोलते हैं, हम कहते राम रस। क्या बोलते हैं? राम रस। ये संत बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आप अगर कोई किसी संत के वस्त्र को प्रणाम नहीं करता है, ध्यान रखना, अगर उसने वस्त्र भी पहने हुए हैं, अगर प्रणाम नहीं किया, एक साल की भक्ति समाप्त हो जाती है उसकी। एक साल की भक्ति समाप्त हो जाती है उसकी। इसलिए संत परमेश्वर को प्रणाम करा करो, कोई भी संत दिखाई दे प्रणाम जरूर करो, नमन नमन। महाराज भोजन बनाया तो सोचने लगा, गुरुजी ने तो कहा था भगवान को भोग लगा के खाना। अब आज भगवान को बुलाता है।